किसी तरह का कोई प्रलोभन में हम लोग आने वाले लोग नहीं है, और पद कोई हम लोग के लिए, पद और पैसा कोई मायना नहीं रखता है। समाज के हर तबका का हम लोग सहायता किए हैं, सहयोग किए हैं, मदद किए हैं, और आगे आने वाले समय में भी तत्परता के साथ क्षेत्र की जनता की सहयोग और सहायता में लगे रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कल अचानक से कांग्रेस के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। सिद्धार्थ सौरभ, जी हाँ, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और उन्होंने अचानक से कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिस वजह से ये चर्चा हो रही है कि बिहार में कांग्रेस जो है, कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ गए हैं, यानी कि ऑपरेशन लोटस की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। सिद्धार्थ ने आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया? कांग्रेस में क्या उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी? कांग्रेस से उनकी परेशानियां क्यों बढ़ी हुई थी? इस विषय पर आज बिहार विधानसभा के अंदर जो बातें चल रही थी, ये भी चर्चाएं चल रही थी कि सिद्धार्थ को खरीदा गया है, प्रलोभन दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको कई ऐसे ऑफर दिए हैं जिस ऑफर के जाल में सिद्धार्थ सौरभ जो हैं वो फंस चुके हैं, और इस वजह से उन्होंने अचानक से पाला बदल लिया। तो इस तमाम विषय पर सिद्धार्थ सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर क्या हो गया सब कुछ? प्रलोभन वाला गया, प्रलोभन दिया गया। किसी तरह का कोई प्रलोभन में हम लोग आने वाले लोग नहीं है। जनहित और जनता के सिवा हम लोग का जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, और पद कोई हम लोग के लिए, पद और पैसा कोई मायना नहीं रखता है। समाज के हर तबका का हम लोग सहायता किए हैं, सहयोग किए हैं, मदद किए हैं, और आगे आने वाले समय में भी तत्परता के साथ क्षेत्र की जनता की सहयोग और सहायता में लगे रहेंगे। और पद और प्रलोभन किसको क्या जरूरत है, ये तो समय बताएगा ना। हम लोग किसी तरह का कोई पद और किसी प्रलोभन में नहीं आए हैं। कांग्रेस की तरफ से आपको गद्दार कहा जा रहा है सर? अरे तो देखिए, बोलने का अधिकार है किसी को किसी तरह के चीज में। आज हर दल का लोग किसी दल में जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कौन दल से आए हैं? राजद छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, तो राजद में व्याकुल हुए तो ना कांग्रेस में आए, तो कांग्रेस के तो अध्यक्ष दल बदलू है, तो हमको कौन अधिकार से दल बदलू कहेंगे? वो सब तो कह तो रहे हैं कि सब परिस्थिति, बस जो स्थिति उत्पन्न हुई, जिस तरह से कार्रवाई हुई, जो आज परिस्थिति पार्टी का है, तो देखिए ना क्या परिस्थिति पार्टी का है। लेकिन जहाँ तक बात करता है लोग, तो अध्यक्ष कहाँ से कहाँ आ गए हैं, अपने पहले याद करें ना कि कहाँ से कहाँ आ गए। और भी लोग लाइन में है क्या? कांग्रेस प्रदेश में सामने देख के सर, सामने देख के और भी लोग लाइन में है क्या सर? सब समय आते आते सब आप लोग को सब चीज पार्टी से आप नाराज चल रहे थे? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हर लोग कोई दंश होता है, तभी ना अपना रास्ता देखता है। ठीक बात, ठीक है, चलिए अपना उनको उचित नहीं लग रहा है। नहीं, अभी हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया गया, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। अध्यक्ष जी ने आपको कॉल किया था? कल बात हुई थी, आज किसी संबंध में कोई बातचीत न हुआ है। इधर भी देख के आपकी सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर याचिका डाली गई है विधानसभा अध्यक्ष के सामने? देख के सर, सामने देख के। अब तो सवाल है कि जो परिस्थिति हो गया उसके अनुकूल काम किया जाएगा, इससे चिंता का क्या बात है? सामने देख के आपको लगता है आपने गलती किया कुछ भी? किसी तरह का कोई गलती नहीं किया है। सामने देख के लाइन में है सिद्धार्थ जी, इस सब समय सब सब पता चल जाएगा, लड़ी लग जाएगा। क्या दल बदला है? क्या दिल भी बदल गए हैं? क्या प्रधानमंत्री की तरफ जो एक आपका रुझान है वो नजर आ रहा है? तो पूरा राष्ट्र का झुकाव है, देखिए रहे हैं, विकास हुआ है तो काम हो ही ना रहा है, तो काम को कोई नजरअंदाज नहीं ना कर सकता। राहुल गांधी ने धार जी अपने कहा पूरा लाइन लग जाएगा, लाइन में और कौन कौन से विधायक है? सब समय आएगा, सब परत परत खुलता चला जाएगा। लाइन में है कि आरजेडी वाले भी है? ये सब किसी से छुपा हुआ रहेगा, कोई बात छुपता है? चलिए, आरोप है कि आप प्रलोभन में भाजपा के साथ गए हैं क्या? किस चीज का प्रलोभन? ना हम लोग को पद का प्रलोभन है, ना पैसा का प्रलोभन है। हम लोग निस्वार्थ जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।